हेलो बच्चों बेटा लास्ट के लेक्चर में हम ना स्पेक्ट्रा पढ़ा था स्पेक्ट्रा क्या होता है मिशन स्पेक्ट्रा ऑब्जॉर्ब स्पेक्ट्रा उनसे पहले हमने रदर फोर्ड का मॉडल भी पढ़ा था आइटम का तो अब हम ना लिमिटेशन पढ़ेंगे रदर फोर्ड मॉडल की क्योंकि आप लाइट का नेचर जान चुके हो लाइट दो तरह का नेचर शो करती है वेव की तरह बिहेव करती है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है ये हम पढ़ के आए हैं फर्स्ट है रदर फोर्ड मॉडल की क्या कमियाँ हैं इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ आइटम ड नॉट एक्सप्लेन दिलिटी ऑफ एटम एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था रदर फोर मॉडल कैसे नहीं कर पाया था वो लाइट का नेचर हमने जाना तब ये सीखा हमने देखो क्या होता है कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्यूरी में हम पढ़ के आए हैं कि ई एम ई एम क्या है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव थ्यूरी इसमें हम ये पढ़ के आए हैं कि तो कोई सोर्स जो लाइट एमिट करता है वो कैसे करेगा लाइट एमिट कैसे करता है कंटिन्यूसली करता है कंटिन्यूसली का क्या मतलब है लगातार करेगा यही कंसेप्ट लगाना मैं इसकी रदर फोर्ड की जो लिमिटेशन है कि कैसे एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि देखो जो ये है न्यूक्लियस न्यूक्लियस में क्या है प्रोटॉन और न्यूक्लियस के बाहर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ये है सर्कुलर ऑर्बिट और यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है अब जो ये इलेक्ट्रॉन है ना न्यूक्लियस के बाहर किसी सर्कुलर ऑर्बिट में इस इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो एक्सलरेटेड मोशन है किस तरह का मोशन मोशन बता रहा हूं मैं मोशन। क्योंकि देखो स्पीड तो इसकी कांस्टेंट है इलेक्ट्रॉन की बट इसकी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बदलेगी यानी कि न्यूक्लियस के बाहर द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरह का मोशन शो करते हैं एक्सलरेटेड मोशन देखो स्पीड तो मैं कह रहा हूं कि कांस्टेंट है बट वेलोसिटी बदलेगी क्योंकि डायरेक्शन बदलेगी हर बार इसकी और अगर एक्सलरेटेड मोशन होगा इलेक्ट्रॉन का तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है प्रोटोन कैसा है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इन दोनों के अट्रैक्शन से इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन के अट्रैक्शन से और मोशन कैसा है इसका एक्सलरेटेड मोशन तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना एनर्जी एमिट करेगा अनर्जी एमिट करेगा और अगर अनर्जी एमिट करेगा तो कंटिन्यूसली करेगा क्योंकि जो रिदर फोर मॉडल है वो फॉलो कर रहा है जैसे किसको ईएम ई एम वेव थ्योरी को कि चार्ज पार्टिकल जब एनर्जी एमिट करेगा वो कंटिन्यूसली करेगा तो अगर ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी कंटिन्यूसली एमिट करेगा तो अनर्जी क्या होगी इसकी एनर्जी लगातार एमिट करेगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी डिक्रीज एनर्जी एमिट करेगा कोई पार्टिकल तो एनर्जी तो डिक्रीज ही होगी ना उसकी और अगर इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिक्रीज होगी तो ये क्या होगा एनर्जी एमिट करता जाएगा और एक स्पायरल पाथ फॉलो करके एनर्जी डिक्रीज होती जा रही है और स्पायरल पाथ फॉलो करके द इलेक्ट्रॉन विल फॉल इनटू न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन विल फॉल इनटू न्यूक्लियस तो इसका क्या मतलब हुआ इट मींस एटम कोलेप्स एटम्स क्या हो जाएगा कोलैप्स हो जाएगा इसका मतलब ये होगा कि मैटर स्टेबल नहीं है बट ये तो पता है आपको मैटर तो स्टेबल है इसका मतलब एटम भी स्टेबल होता है तो गलत कौन है रदर गलत है क्योंकि बेटा इसमें थ्योरी में ये बताया गया है कि रदर जो मॉडल है वो ई एम वेव थ्योरी के ऊपर बेस है और ई एम वेव थ्योरी ये कहती है कि चार्ज पार्टिकल या जो लाइट एमिट करेगा कोई भी सोर्स वो कंटिन्यूस करेगा तो यहाँ भी वही कंसेप्ट लगाया है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अट्रैक्शन से इलेक्ट्रॉन का एक्सल मोशन है स्पीड कॉन्स्टेंट रहेगी बट डायरेक्शन बदलने से इसकी वेलोसिटी बदलेगी तो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ एटरेक्शन जब शो करेगा तो एक्सेलरेटेड मोशन के दौरान ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट करेगा और एनर्जी एमिट कैसे करेगा कंटिन्यूसली तो एनर्जी डिक्रीज होती रहेगी लगातार और इलेक्ट्रॉन स्पाइरल पाथ फॉलो करके विल फॉल इन टू न्यूक्लियस इसका मतलब एटम स्टेबल नहीं है तो रदर फोर्ड की ये लिमिटेशन थी कि एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्योंकि अगर लगातार ही इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट करेगा तो वो कैसे स्टेबल होगा और लगातार एनर्जी एमिट करने वाला कंसेप्ट कौन सा है ई एम बीव का कंसेप्ट सेकंड सेकेंड है इट डज नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट्स इट डज नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट्स देखो हम पढ़ गए है स्पेक्ट्रा कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस एलिमेंट्स लाइन स्पेक्ट्रा शो करते हैं बट ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया तीसरा पॉइंट जैसे मैं कह रहा हूं कि न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर ये ऑर्बिट है तो न्यूक्लियस के बाहर जो ऑर्बिट है जिनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहेगी मैं कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे इस चीज के बारे में कुछ नहीं बता पाया था रदरफोर्ड तो इट डज नॉट एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स राउंडिंग दी न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बाहर जो ऑर्बिट है उनमें इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी भाई पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे दूसरे में कितने आएंगे इनके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया था दो दीज आर दम ऑफ दी, दी लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल अब हम अगला मॉडल पढ़ेंगे कौन सा बोहर मॉडल ऑफ एटम और बोहोर जो मॉडल है वो बेस्ट एप्लाइंस क्वांटम थ्योरी के ऊपर तो नेक्स्ट हमारा मॉडल है बोहर मॉडल ऑफ एटम बोहर मॉडल ऑफ एटम इसको दिया था किसने जैसे यहां से लिखा है कि बोहर मॉडल तो बेटा नील्स बोर ने इस मॉडल को दिया था तभी इसलिए इसको बोहर मॉडल बोलते हैं अब ये जो बोहर मॉडल है ये किसके ऊपर बेस्ड है ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के ऊपर बेस्ड है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की सारी बातें हम पढ़ गए हैं डिटेल में डिस्कस करी हैं तो अब इसके मेन पॉइंट्स में बता रहा हूँ इस थ्योरी के इस थ्योरी के मेन पॉइंट्स क्या होंगे फर्स्ट पॉइंट है देखो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि एटम के सेंटर में ना एक बहुत छोटे साइज का न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन है या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और न्यूक्लियस के बाहर ना बहुत सारे क्या हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं जैसे कि ये ऑर्बिट हो गया फर्स्ट ये सेकंड हो गया ये थर्ड हो गया इनके ऐसे नाम भी देते हैं जैसे नाइन्थ में पढ़ के आए हो के एल एम या एन ऑर्बिट है जैसे फोर्थ ऑर्बिट हो गया या आगे फर्दर ऑर्बिट हो गए तो पहला पॉइंट क्या है एटम हैव पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन सेंटर ऑफ एटम एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट देखो ये वर्ड ध्यान करना क्योंकि सर्कुलर ऑर्बिट जो कि बाद में आगे जाके गलत हो जाएगी नेक्स्ट मॉडल में हम पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑर्बिट को ये सर्कुलर बता रहा है ये चीज ध्यान करना क्योंकि ये बात आगे भी यूज हो जाएगी फिर इसमें यह फर्स्ट पॉइंट हो गया सेकेंड पॉइंट देखो अब कह रहा है कि जो न्यूक्लियस हो गया ना न्यूक्लियस के बाहर ही बहुत सारे क्या है सर्कुलर ऑर्बिट है इन सर्कुलर ऑर्बिट्स को बहुत सारे होते हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स दीज सर्कुलर ऑर्बिट्स आर नोन एज स्टेशनरी स्टेट या एनर्जी लेवल बोला गया इनको जैसे कि ये पहला ऑर्बिट है तो मैं इसको फर्स्ट एनर्जी लेवल बोलूंगा सेकंड एनर्जी लेवल थर्ड एनर्जी लेवल फोर्थ एनर्जी लेवल तो ये जो बहुत सारे ऑर्बिट है न्यूक्लियस के बाहर दीज आर नोन एज एनर्जी लेवल या स्टेशनरी स्टेट ऐसा क्यों बोला गया है क्योंकि अलग अलग ऑर्बिट की अलग अलग अनर्जी तो लेवल बने हुए हैं एनर्जी के तो सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि सराउंडिंग न्यूक्लियस देर आर लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स विच इज नोन एज अनर्जी लेवल्स और स्टेशनरी स्टेट अब देखो स्टेशनरी का क्या मतलब स्टेशनरी का मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट में मूव नहीं कर रहा इलेक्ट्रॉन तो कह रहा है कि जी मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है इन ऑर्बिट में स्टेशनरी का यहां ये मतलब है कि अनर्जी फिक्स है एनर्जी क्या है फिक्स स्टेशनरी मीन्स फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी है जैसे पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स है दूसरे में फिक्स है तीसरे में फिक्स है और फोर्थ में फिक्स है और ये एनर्जी अलग अलग होगी अलग अलग ऑर्बिट में तो अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग एनर्जी है तभी इनको क्या बोला जा रहा है एनर्जी लेवल बोला जा रहा है और इसको हम और क्या बोल सकते हैं स्टेशनरी स्टेट बोल सकते हैं ये इसमें सेकेंड पॉइंट हो जाता है आगे चलते हैं इस सेकेंड पॉइंट के ही आगे मैं सब पॉइंट बता रहा हूँ आप देखो मैंने ये कहा है कि न्यूक्लियस के बाहर सराउंडिंग न्यूक्लियस जो ऑर्बिट्स हैं इन ऑर्बिट्स को मैंने एनर्जी लेवल बोला जैसे अलग अलग तो ये जो ऑर्बिट है न्यूक्लियस के बाहर इन ऑर्बिट्स की एनर्जी कितनी होगी तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का रेडियस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी भाई ये जैसे अलग अलग ऑर्बिट हैं तो इनमें इलेक्ट्रॉन जो मूव उनकी कुछ वेलोसिटी भी तो होगी ना और जो ऑर्बिट हैं इन ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा तो कैसे हम इनको कैलकुलेट करेंगे जैसे फर्स्ट बता रहा हूं एनर्जी देखो वैसे तो ये जो बोहर मॉडल ऑफ एटम है ना ये हाइड्रोजन एटम के लिए मेनली फोकस्ड है हाइड्रोजन एटम जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन जैसे ही स्पीसीज मतलब हाइड्रोजन जैसे स्पीसीज उनको बोल रहा हूं मैं जिनमें कि एक इलेक्ट्रॉन हो हाइड्रोजन की तरह तो जैसे कि एनर्जी अगर किसी भी ऑर्बिट में निकाल लें एनर्जी ऑफ एनी ऑर्बिट जैसे मैं कह रहा हूं कि फर्स्ट ऑर्बिट है इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी दूसरे में कितनी तीसरे में कितनी फोर्थ में कितनी है तो किसी भी ऑर्बिट में जो एनर्जी है रिप्रेजेंट उसको कर रहा हूं एनर्जी ऑफ ऑर्बिट एन, एन क्या है किसी भी ऑर्बिट का नंबर है दैट इज इक्वल टू तो माइनस माइनस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पहले मैं इसको कहूंगा कि माइनस जेड स्क्वेर बाय एन स्क्वायर और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की जगह मैं यहां पे वैल्यू लिख रहा हूं माइनस आर एच इंटू जेड एन स्क्वेयर ये वैल्यू है माइनस में रहेगी वैल्यू अब जेड यहां पे क्या है जेड यहां पे रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का और आर एच जो है ना आर एच जो है ये प्रपोशनैलिटी कॉन्स्टेंट है आर एच हाइड्रोजन के लिए रिडबर्ग बर्ग कॉन्स्टेंट है दिस आर इज रिडबर्ग बर्ग कॉन्स्टेंट पहले मैं हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रा कराया था उसमें आपको बताया भी था दिस आर एच इज रिडबर्ग वर्ग कॉन्स्टेंट जैसे हाइड्रोजन के लिए हो गया तो इसकी जो वैल्यू होगी ना ये वैल्यू होगी 2.18 पॉइंट वन एट इन टेन की पावर माइनस एटीन जूल पर एटम यानी कि एक फिक्स वैल्यू है इसकी ये तो जूल में है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर कहोगे तो यही वैल्यू तेरह पॉइंट छ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है और अगर किलो जूल में कहोगे तो यही वैल्यू है तेरा सो बारह किलोजूल पर मोल एक मोल एटम के लिए अब देखो जी जैसे कि अगर हाइड्रोजन एटम हो जाए हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू कितनी होगी बेटा एक नहीं होगी क्योंकि एटोमिक नंबर होता है जेड और हाइड्रोजन का एटोमिक नंबर कितना है एक होता है तो आप इसको कैसे लिखोगे जैसे मैं लिखूंगा एनर्जी ऑफ एन एथ ऑर्बिट किसी भी ऑर्बिट में तो मैं इसको लिखूंगा भाई माइनस टू पॉइंट वन एट इंटू टेन की पावर माइनस एटीन बाई एन स्क्वेयर क्योंकि यहाँ जेड स्क्वेयर की वैल्यू कितनी है जेड स्क्वेयर कितना हो जाएगा बेटा जेड हो जाएगा वन तो एक का स्क्वेयर कितना होगा एक ही होगा ना तो यानी कि अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट की बात करूँ तो यहाँ मैं फर्स्ट ऑर्बिट पुट कर दूंगा ये देखो ये फर्स्ट ऑर्बिट और यहाँ एन की वैल्यू भी वन पुट पुट करूंगा तो एक ही रहेगा यानी कि ये जो एनर्जी है ना पहले ऑर्बिट में इतनी होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कहोगे तो यही हो यही एनर्जी कितनी हो जाएगी फर्स्ट ऑर्बिट में माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम ये जूल पर एटम है जूल में है एनर्जी ऐसे ही किलो जूल में आप लिखोगे कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी एनर्जी हो जाएगी माइनस वन थ्री वन टू किलो जूल पर मोल ऐसे आप लिखोगे अब जैसे कि दूसरा ऑर्बिट है दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी हो भाई अगर हाइड्रोजन के लिए निकालें तो अगर एनर्जी आपको सेकेंड ऑर्बिट की निकालनी है तो मैं यहां पुट करूंगा माइनस साइन के साथ ये वैल्यू टू पॉइंट वन एट इंटू टेन की पावर माइनस एटीन बाय एन स्क्वेयर यहां पुट करा था देखो ये एन स्क्वेयर एन क्या है ऑर्बिट का नंबर है सेकेंड ऑर्बिट हो गया तो दो का स्क्वेयर कितना होगा बेटा चार आप देखोगे यानी कि जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो जो भी वैल्यू आएगी आप देखोगे इससे ज्यादा होगी क्योंकि साइन कैसा है नेगेटिव तो यहाँ एनर्जी की वैल्यू क्या होगी इनक्रीज यानी कि जो ई टू होगा ना उसकी वैल्यू ज्यादा होगी किससे ई वन से ऐसे ही ई थ्री की जो वैल्यू है ई थ्री की वैल्यू ज्यादा होगी सेकेंड से तो बेटा आप देखोगे कि जैसे जैसे हम बाहर जाएंगे ना न्यूक्लियस से जैसे कि फोर्थ ऑर्बिट फोर्थ ऑर्बिट के एनर्जी तीसरे से ज्यादा है यानी कि K के, के सेल की एनर्जी इस सॉरी एन सेल की एनर्जी एम से ज्यादा होगी और एम की एल से ज़्यादा होगी एल की के से ज़्यादा होगी यानी कि फोर्थ की थर्ड से थर्ड की सेकंड से आप ऐसे यानी की वैल्यू पुट करते जाओ यहाँ पे और एनर्जी आप निकाल लो किसी भी ऑर्बिट की और जेड यहाँ क्या है जेड अटोमिक नंबर है हाइड्रोजन के लिए तो वैल्यू वन ही रहेगी ना ये अगर जैसे ही आ जाए लीथियम आ जाए या जैसे मैं कह रहा हूँ कि हीलियम है भाई ये लीथियम है अब आप देखना कि हीलियम का अटोमिक नंबर दो होता है लीथियम का कितना होता है तीन तो इलेक्ट्रॉन तो इसमें भी एक है क्योंकि दो अटोमिक नंबर एक इसने दे रखा है लिथियम का एटॉमिक नंबर तीन है तीन इलेक्ट्रॉन दो दे दिए तो इलेक्ट्रॉन तो एक ही बच गया ना बट यहाँ पे अगर Z की वैल्यू पुट करोगे तो Z की वैल्यू फिर आप पुट करोगे हीलियम के लिए दो पुट करोगे और लिथियम के लिए कितनी पुट करोगे तीन ऐसे हमें निकालनी है एनर्जी किसी भी ऑर्बिट की तो ये फार्मूले हैं कि इस फार्मूले में वैल्यू पुट करके हम किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी को निकाल सकते हैं और कंक्लूजन क्या है कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी बढ़ेगी यानी कि ऑर्बिट की एनर्जी बढ़ती जाएगी एज वी मूव फार्दर अवे फ्रॉम न्यूक्लियस एनर्जी ऑफ ऑर्बिट या एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस ये बात होगी पहले एनर्जी की दूसरा है रेडियस रेडियस ऑफ ऑर्बिट किसी भी ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा देखो इसके लिए मैं फॉर्मूला आपको बता रहा हूं रेडियस ऑफ एन एथ ऑर्बिट इज इक्वल टू ए नॉट इन टू एन स्क्वेयर बाय जेड अब देखो इसमें एन क्या है एन ऑर्बिट है और इसमें ए नोट क्या है ए नोट की वैल्यू है भाई पॉइंट फाइव टू नाइन एंगस्ट्रॉ और ये क्या है, ये रेडियस है बोर रेडियस का मतलब मैं ये कह रहा हूं कि रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ये मैं बोल रहा हूं क्योंकि अगर देखो बेटा एन की वैल्यू वन पुट कर दें यहां पे एन की वैल्यू पुट कर दें तो आर रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट किसके इक्वल आएगा लाएगा ए नॉट और जेड भी अगर एक पुट कर दूं क्योंकि जेड एक मतलब एटॉमिक नंबर एक है तो रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट तो इतना ही आया ना और ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया है कि जो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये न्यूक्लियस का सेंटर है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है डिस्टेंस ये फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस आ जाता है और फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा इतना होगा अब तो सेकंड ऑर्बिट का रेडियस अगर आप निकालो तो सेकंड ऑर्बिट का रेडियस हम निकाल सकते हैं रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट कितना ए नोट की वैल्यू है जैसे पॉइंट फाइव टू नाइन एन एन की वैल्यू कितनी पुट करो दो तो चार और हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए तो वैल्यू बट नहीं पुट करेंगे हम जेड क्या है हैटोमिक नंबर तो आप देखोगे रेडियस बढ़ेगा ना ऐसे तीसरे ऑर्बिट का रेडियस निकालेंगे तो तीन का स्क्यर नो हो जाएगा यानी कि जैसे हम जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते रहेंगे तो किसी भी ऑर्बिट का रेडियस बढ़ेगा और आर नोट ए नोट क्या इसमें ए नोट है फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस जिसको मैं क्या बोल रहा हूं जिसको बोहोर रेडियस बोला गया है जो कि फर्स्ट ऑर्बिट ऑर्बिट का का रेडियस रेडियस है है यानी किसी भी का निकाला जा सकता है, कितना है ये फार्मूला है भाई आपका एनर्जी निकाल सकते हैं एनर्जी के लिए आपको फार्मूला बताया अब तीसरा है कि वेलोसिटी हम निकाल लेंगे किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी तीसरा इसमें वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वेलोसिटी किसी भी एन एथ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी वी नॉट इंटू जेड बाई एन वी नॉट इंटू जेड बाई एन जेड एटोमिक नंबर है एन ऑर्बिट का नंबर है और जो वी नॉट है वी नोट है भाई वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट जो ये फर्स्ट ऑर्बिट है ना जब मैं बोर रेडियस बोल रहा हूं जिसको उसमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है और जो वी नॉट है इसकी वैल्यू है भाई 2.18 पॉइंट वन की पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड यह वेलोसिटी है तो अगर मैं सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालूं तो निकाल नहीं सकता हूँ मैं कहूंगा कि वेलोसिटी इन सेकेंड ऑर्बिट तो कितनी कहूंगा मैं वी नॉट की वैल्यू कितनी टू पॉइंट की पावर एट सेंटीमीटर पर सेकेंड इंटू जैसे कि जेड अगर मैं हाइड्रोजन के लिए बात करूँ तो वन बाई एन एन ऑर्बिट का नंबर होगा जैसे टू तो आप देखोगे कि सेकंड जो ऑर्बिट है उसमें वेलोसिटी पहले ऑर्बिट से कम आएगी ना बिल्कुल तो जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते रहेंगे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी डिक्रीज होती रहेगी तो इस फार्मूले से हम क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकाल सकते हैं किसी भी एन ऑर्बिट में और जेड यहाँ पे एटोमी नंबर है अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो जेड की वैल्यू वन होगी और अगर इलियम की बात करूं जैसे एच तो जेड की वैल्यू बेटा इसमें दो होगी और लिथियम की बात करूं तो लिथियम में जेड की वैल्यू तीन होगी बट इलेक्ट्रॉन तीनों में तो देखो एक ही है ना इलेक्ट्रॉन तो तीनों में क्या है एक ही है क्योंकि एक हाइड्रोजन का टोमिक नंबर हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन होते एक दे दिया तो एक ही बच गया ये जेड है टोमिक नंबर लिथियम में तीन इलेक्ट्रॉन दो दे दिया तो एक इलेक्ट्रॉन तो एक ही बचा ना तो यहां पर हम जेड की वैल्यू पुट करके हाइड्रोजन के लिए एंड हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस एंड हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस कौन होंगे जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा हाइड्रोजन की तरह जैसे हीलियम ई प्लस एंड एल आई टू प्लस तो ऐसे करके हम किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ऑर्बिट का रेडियस और किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी उसको हम मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं दूसरा पॉइंट हो गया दूसरे पॉइंट में आपको सब पॉइंट बताए हैं आपको ये तीसरा पॉइंट है अब देखो न्यूक्लियस है न्यूक्लियस में जैसे प्रोटॉन्स हैं न्यूट्रॉन भी होते हैं बट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की बात चल रही है तो जैसे कि ये ऑर्बिट्स हैं अलग अलग जैसे फर्स्ट ऑर्बिट सेकेंड ये थर्ड और ये फोर्थ हो गया जैसे मैं के एल एम एन करके इनको बोल रहा हूँ अब जो न्यूक्लियस के बाहर ये ऑर्बिट है ना जैसे मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट ऑर्बिट है फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा और एंगुलर जो मोमेंटम होता है बेटा एंगुलर मोमेंटम इसका इक्वल होता है एम वी आर प्रोडक्ट है तीनों का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वी है टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन हम करा है तो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या रहेगी और आर क्या है रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट तो किसी भी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होता है ना देखो वो क्वांटाइज होता है जैसे एनर्जी क्वान्टाइज होती है क्वांटाइज का मतलब फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी होना जैसे कि पहले ऑर्बिट की अंदर फिक्स है है बदलेगी नहीं हो बार बार जैसे मैंने आपको है कैसे हम तो फर्स्ट के ये, है, की ये, है, की ये है, वो फिक्स है जैसे किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स होती है ऐसे ही किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम भी फिक्स होता है क्वांटाइज होता है और वो कितना होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है एच ओवर टू पाई का देखो लाइक एंगुलर लाइक एनर्जी जैसे कि एनर्जी की वैल्यू नहीं फिक्स होती अलग अलग ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम हैव ऑल्सो फिक्स वैल्यू इन डिफरेंट ऑर्बिट्स एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच ओवर टू पाई मैं ये कह रहा हूं कि जैसे ये है जी एंगुलर मोमेंटम

तो आप लिखोगे एम वी आर इज इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी होगी दो तो टू एच ओवर टू पाई यानी कि हम कह सकते हैं एच बाय पाई ऐसे ही तीसरे ऑर्बिट में कहोगे तीसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा थ्री एच बाय टू पाई एम वी आर इज इक्वल टू थ्री एच बाय टू पाई यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इतना होगा फिक्स है ये सेकेंड ऑर्बिट में इतना होगा थर्ड में इतना होगा फोर्थ में फोर एच बाय टू बाई से तो जैसे एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है फिक्स होती है ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम भी क्या होता है क्वांटाइज होता है और अलग अलग ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम जो होगा इलेक्ट्रॉन का वो अलग अलग ही होगा उसको आप निकाल भी सकते कितना हो कितना होगा नेक्स्ट पॉइंट देखो आप फोर्थ पॉइंट है देखो अगर मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन यहां फर्स्ट ऑर्बिट में जब तक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रहेगा ये ऐसे ही रोटेट करता रहेगा और इस दौरान ना तो अपनी एनर्जी एमिट करेगा और ना ही अब्जोर्व करेगा तो जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी नॉर्मल स्टेट में रहेगा उस दौरान वो ना तो एनर्जी एमिट करेगा और ना ऑब्जोर्व करेगा तो एटम में जो ये कंडीशन होती है इसमें हम इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट बोलते हैं दोबारा समझो जैसे मैं कह रहा हूं कि फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो इस दौरान जब ये रोटेट कर रहा है न्यूक्लियस के बाहर रदरफोर्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग तो ये इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी एब्जॉर्व करेगा और ना ही एनर्जी एमिट करेगा तो इसको जो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है इसको बोला जा रहा है इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट है ये तो मैं इसको लिखूंगा व्हेन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन एनी एटम इट डज नॉट एमिट और absorb एनर्जी एंड दिस इज नोन एज ग्राउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट है ग्राउंड स्टेट को हम नॉर्मल स्टेट भी बोल सकते हैं तो जब तक जैसे मैं कह रहा हूं कि फोर्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो यहां अगर इलेक्ट्रॉन है और एनर्जी एमिट या लूज नहीं कर रहा है एमिट या गेन नहीं कर रहा है तो ये इसकी ग्राउंड स्टेट है ऐसे हम बोल फोर्थ पॉइंट हो जाता है पांचवां पॉइंट है पांचवां पॉइंट ये है देखो इलेक्ट्रॉन जैसे ये फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है इसको बाहर से कुछ एनर्जी दे दी जाए बाहर से क्या दे दी जाए एनर्जी दे दी जाए एनर्जी का देखो सोर्स कुछ भी हो सकता है आप इस आइटम को हीट कर दो गर्म कर दो या आप इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास कराओ एनर्जी का कोई सोर्स है जैसे इस पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं इसको बाहर से आपने एनर्जी सप्लाई करी एनर्जी सप्लाई करते इस इलेक्ट्रॉन की तो एनर्जी बढ़ जाएगी एनर्जी बढ़ गई कितनी अब ऐसा करने से ये फर्स्ट ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में भी जंप कर सकता है क्योंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी ये तीसरे में भी जंप कर सकता है और ये फोर्थ में भी जंप कर सकता है जैसे मैंने सपोज कह दिया कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से फोर्थ में जंप कर गया भाई बाहर से जो मैंने एनर्जी दी इस एनर्जी को गेन करते ही इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से फोर्थ में जंप कर गया तो जब ये फोर्थ में चला गया ना एनर्जी लेने के बाद तो इसकी एनर्जी ज्यादा नहीं होगी अब तो अब ज्यादा एनर्जी होगी तो ये मैं बोलूंगा कि जो इलेक्ट्रॉन है ना ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में था एनर्जी बाहर से दी गई तो सपोज मैं कह रहा हूं कि इस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दे दी कि यहां से एनर्जी लेके गई फोर्थ में जंप करके चला गया जंप करके गया फ्लो होके नहीं गया जैसे हम फर्श पे पानी डाल दें तो वो तो फ्लो होके जाएगा ये जंप करके जाएगा ये ये यहाँ से इसको जंप करके गया दूसरे और तीसरे ऑर्बिट में से ऊपर से जंप कर गया और फोर्थ में चला गया तो यहाँ जब इसकी एनर्जी ज्यादा हो गई ना ज्यादा एनर्जी में इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया एक्साइटेड स्टेट में और एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो अनस्टेबल होगा यानी कि कुछ समय के बाद यहाँ से दोबारा अपनी ओरिजिनल स्टेट में जाएगा जंप करेगा अब ये जब एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में जाएगा तो जाने का जो रूट होगा ना इसका वो ऐसे हो सकता है कि यहां से डायरेक्ट पहले में जंप कर जाए ऐसे भी हो सकता है पॉसिबिलिटी बता रहा हूं क्या क्या बनेंगी ऐसे भी कर सकता है ये कि फोर्थ से थर्ड में जंप करा थर्ड से सेकंड में जंप करा और सेकंड से फिर फर्स्ट में गया ये भी रूट हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है कि फोर्थ से सेकंड में जाए सेकंड से फर्स्ट में जाए ऐसे भी कर सकता है ऐसे भी हो सकता है फोर्थ से थर्ड में जाए थर्ड से फर्स्ट में चला जाए मतलब रूट इसका कुछ भी हो सकता है बट जब ये एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जाएगा ये कितनी एनर्जी एमिट करेगा जितनी पहले इसने ली थी उतनी तभी तो उतनी एमिट कर देगा ये जितनी बाहर से ली थी ना उतनी ही तो एनर्जी एमिट करेगा क्योंकि पहले में तो फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी है फोर्थ में भी फोर्थ से जब फर्स्ट में जाएगा कितनी एनर्जी एमिट करेगा जितनी इसने एब्जोर करी थी और अब्जोर्व कितनी करी थी वो भी हम निकाल सकते हैं एमिट कितनी करी थी वो भी हम निकाल सकते हैं मैं कह रहा हूं कि फोर्थ यहां से जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में गया तो इसने कितनी एनर्जी एमिट करी हम निकाल नहीं सकते हैं बिल्कुल कैसे फोर्थ और फर्स्ट ऑर्बिट के एनर्जी का जो डिफरेंस होगा ना उतनी एनर्जी इसने एमिट करी तो यहां मैं ये कह रहा हूं कि जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जाएगा ये क्या करेगा एनर्जी को एनर्जी को एमिट करेगा और एनर्जी कितनी एमिट करेगा ये एनर्जी कितनी एमिट करेगा इन ऑर्बिट के बीच में एनर्जी का डिफरेंस यानी कि डेल्टा ई डेल्टा ई क्या है एनर्जी का डिफरेंस है तो मैं कहूंगा E फाइनल माइनस ई इनिशियल ई फाइनल माइनस ई इनिशियल इतनी एनर्जी क्या करेगा एमिट करेगा और वो हम निकाल सकते हैं वह फोर्थ ऑर्बिट में एनर्जी कितनी है हम निकाल नहीं सकते अभी मैथमेटिकल फार्मूला आपको बताया है और फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी की एनर्जी उसको भी हम निकाल सकते हैं तो ये थे कुछ मेन पॉइंट्स किसके रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम तो बेटा ये थे कुछ मेन पॉइंट्स बोहर मॉडल ऑफ एटम और बोहर मॉडल किसके ऊपर बेस्ड है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे कि जो ये बोहर मॉडल है इसकी क्या एडवांटेज है एडवांटेज डिस्कस करेंगे फिर नेक्स्ट मॉडल डिस्कस करेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल और उस दौरान हम बोहर मॉडल की फिर लिमिटेशन भी डिस्कस करेंगे इसकी कमियाँ क्या है तो आज के लिए इतना ही थैंक यू स्टूडेंट्स